हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि आप सब देख रहे हो कि ये सिग्नल है, तो सिग्नल पे जो है ना कैसे विटन मार रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना डिवाइडर में देख लो, ये सिग्नल दे दिया हुआ है, उसके बाद विटन कर रहे हैं। तो भाई कितना साल से आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ बता सकते हो? 5 साल से। 5 साल से चला रहे हो, तो उससे पगार उगार क्या है तुम्हारा, कुछ बता सकते हो? पगार 1800 है। और तुम जो है क्या करते हो, कौन सा गाड़ी चला रहे हो अभी? जीएमसी चला रहे हो। तो जीएमसी का लुक देख सकते हो, पीछे का लाइट जला पूरा ऑल राउंडर लाइट मालूम है पीछे का, तो पीछे का लुक भी देख सकती हो आप सब, है कि नहीं। और यहाँ पे एक सिग्नल आ गया, तो सिग्नल के पास अभी तुम सिग्नल पे कहाँ यमीन मारना है कि क्या? यसार, यमीन किसको बोलते हैं, कुछ बता सकते हो? राइट को बोलते हैं, जैसे कि भाई बता रहे हैं कि राइट को बोलते हैं। चलो अच्छी बात है, तो राइट जा रहे हैं अभी। और राइट में तो सिग्नल तुमको लगाना चाहिए था ना, मैं पुराना हो गया हूँ। बंद करो लाइट बंद करो जल्दी से, एक्सपीरियंस है। तो अब जैसे कि आप जो है ना देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना ग्लास का नजारा है, और यहाँ पे मार्केट वगैरह साइड में दिख रहा है कि नहीं। और ये रात का नजारा है, इमाम अहमद बिन हंबल तारीख है। तो भाई कुछ बताना चाहते हो, कोई नया बंदा आना चाहते हो तो उसके लिए कोई क्या खबर देना चाहते हो, जैसे कैसे गाड़ी रात में चलाया जाए या दिन में चलाया जाए, कोई नया ड्राइवर जो है आते हैं तो? नया ड्राइवर है तो पहले देखो घबराएगा नहीं, दिमाग को ठंडा रखेगा, आराम से गाड़ी चलाएगा तो ऑटोमेटिक हो एक्सपीरियंस वो पकड़ लेगा, को कभी चला यार। तो अब कोई बंदा जो है घर पे चलाते तो यहाँ पे तो स्टेयरिंग जो है यहाँ पे लेफ्ट में है, इंडिया में राइट में रहता है, तो फिर उसका तो थोड़ा सा दिक्कत होता है सबको, लेकिन ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर सकता, वो काम कर सकता है, थोड़ा सा सबको दिक्कत होता है। मेरे को भी दिक्कत थोड़ा सा हुआ था, बाद में मैं किधर भी चलाता हूँ मुश्किल है, ये तो कुछ भी नहीं है, साला भेड़ बकरी की तरह गाड़ी यहाँ चलती है। तो यहाँ पे यानी इंडिया से बेहतर है कि क्या दिक्कत है, या बता सकते हो? दिक्कत कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझने का है, जिसका थोड़ा कम दिमाग होता है थोड़ा उसको ज्यादा समझने में लगता है। ओ, नहीं तो सब एकदम ठीक है यानी? हाँ, लेकिन अच्छा यहाँ पैसा आदमी कमाएगा आएगा तो, इंडिया में 4000-5000 सैलरी है, वो अपने खाएगा गुटखा खाएगा कि क्या खाएगा, खाना ही खा के वो खत्म कर देगा 4-5 हजार। हाँ, तो ये सब नहीं करना चाहिए, 4-5 हजार में इंडिया का करेगा, थोड़ा सा पैसा के लिए डरेगा लगाने के लिए। हाँ, तो बाद में उसको मुश्किल होगा, थोड़ा सा बाद में लगा देगा पैसा तो बाद में बोलेगा कि हाँ कोई भाई बोला था कि पैसा लगाने के लिए। तो भाई कितना खर्चा करना चाहिए बंदे को, जैसे कोई नया बंदा आता है तो कितना खर्चा लगना चाहिए ड्राइवर के लिए, कुछ बता सकते हो आप ड्राइवर हो तो? जैसे ये सिग्नल ग्रीन हो गया तो अब निकलना है ना? हाँ। तो जैसे पहले रेड था, अभी ग्रीन हो गया तो अब आप निकल रहे हो, है कि नहीं? तो जैसे कि आपका नाम क्या है, कुछ बता सकते हैं? रुस्तम खान नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का हूँ। बिहार कौन से जिला का? जिला गोपालगंज। गोपालगंज से, माशाल्लाह, चलिए अच्छी बात है। तो जैसे कि ये भाईजान जो है ना बिहार से और गोपालगंज से हैं, और यहाँ पे 5 साल से जो है ड्राइविंग कर रहे हैं, तो यार तो पेट्रोल वेट्रोल भरने का जो है ना कैसा सिस्टम है, कुछ बता सकते हो? पेट्रोल कैसे डालना है, पैसा लेना है डाल लेना है, यानी कपिल का खर्चा लगता है। हाँ। और यहाँ पे जो है ना ये लग रहा है एक्सीडेंट हुआ है, देख सकते हो आप सब भी। तो एक्सीडेंट होता तो यहाँ पे लाइट लाजिम है जला लेना चाहिए, ऐसे जैसे फ्रेशर लाइट जो होता ना ये खट से जला लेना चाहिए, आराम से निकलना चाहिए, नहीं तो तुमको भी पुलिस पकड़ लेगी। हाँ, तो चुपचाप जो ना निकल जाने का, दूसरे से मतलब नहीं, यहाँ पे कोई मारपीट नहीं होता, बस ये आएगा पुलिस कैसे कैसे होता बताओ, तुम अगर भागे तो समझेगा बदमाश है। हाँ। वो तुमको भी पकड़ लेगा, डाल देगा अंदर, यानी कोई कहीं ठोकर उकर लग जाता तो क्या करना चाहिए बंदे को, भागना चाहिए कि रुकना चाहिए? भागना नहीं चाहिए, फोर इंडिकेटर मार देना चाहिए, रुक जाना चाहिए, गाड़ी खड़ी कर दो वहीं पे साइड करके, कि वहीं पे जहाँ पे लगा वहीं पे गाड़ी लगी है वहीं पे गाड़ी खड़ी कर तो दो। उसके बाद क्या होता है, कुछ बता सकते हो? उसके बाद फोन करो, सूटा आएगा जिसका गलती है। यार तो बिहारी हो तो कुछ बिहारी भाषा में कुछ बोल सकते हो, उसका गलती होगा उसी को वो गलती तो देगा। यार जैसे कि आपके तरफ से बोलेगा नहीं, वो अमीर रहेगा चाहे गरीब रहेगा उसके तरफ से नहीं, जिसका गलती रहेगा उसी का गलती मनाएगा। इंडिया की तरफ नहीं कि कोई ड्राइवर ठोक दिया किसी बच्चे को चाहे किसी मोटरसाइकिल को, मारो पीटो छूरो,
ये सब नहीं, कोई टच नहीं करेगा यहाँ पे, कोई टच नहीं करता, टच नहीं करेगा। लेकिन ड्राइवर को लाइसेंस होना जरूरी है कि नहीं, कुछ बता सकते हो? लाइसेंस जो नया होगा वो आएगा, एक दो महीना चलाएगा, फिर से उसका मेडिकल होगा, हकामा बनेगा, रुक्सा बनेगा, इससे सब चीज बन जाएगा, धीरे से थोड़ा बनेगा। तो जो ड्राइवर होता है उसका लाजिमी रुक्सा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए लाजिमी, लेकिन आला तूर थोड़ी होगा क्या है तुरंत भी यहाँ पहले पहले एक दो महीना उसके घर पे कार्य करेगा जिसके पास ड्यूटी करने आएगा। और डीजल मोबिल यहाँ पे कितने पे बदलता है कुछ बता सकते हो गाड़ी का? ये तो मेरे को भी नहीं, तुमको भी नहीं मालूम है यार? 5 साल से चला रहे तो फिर कैसे डीजल मोबिल बदलाते हो, कितना किलोमीटर पे? ऐसे ही अभी थोड़ा रहता है फिर चेंज करा देता हूँ, नहीं तो गाड़ी महंगी रहती है। तो तुम चेक करते हो कि क्या? वो मैं ऐसे ही मीटर से वो डाल के जो चेक करते उसी से कर लेता हूँ, अभी थोड़ा रहता है तभी चेंज करा देता हूँ। यानी कम यानी नापने वाले से जो डिस्काउंट रहता तो चेंज करवा देते हो? नया डलवा देता हूँ। नया डलवा देते हो? किलोमीटर का कोई ये वैल्यूशन नहीं है तुम्हारे आपके पास है कि नहीं? नहीं। तो जैसे कि भाई बता रहे हैं, रुस्तम खान भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ना हम चेक करके जो ना डीजल बदल आ जाते हैं। कोई बंदे जो है ना, हम सब डिफरेंट है, कहीं कहीं इंटरव्यू लिए हैं तो बताते हैं कि 5000 किलोमीटर पे भी बदलाया जाता है और 10000 किलोमीटर पे नहीं। आ रहे हो तो हीरोबाजी मत करो। और ये हरफी जो देख रहे हो आप सब, हीरोबाजी मत करो, प्यार से चलाओ। और ये कैट का जो है ना निकालो, पोक लेना है यहाँ गाड़ी, हीरोबाजी के जैसे नहीं चलाओ। तो कैसा चलाना चाहिए कुछ बता सकते हो? प्यार से गाड़ी चलाओ, अपना पैसा निकालो, ज्यादा पैसा कमाओ। और कितना पैसा भर कर आना चाहिए नया बंदा को, कुछ बता सकते हो? नया बंदा कम से कम 65,000 रुपया लग ही जाएगा, वो ACNR रहेगा तो थोड़ा कम लग जाएगा, 60-60 हजार लग जाएगा। ACR होगा तो 65,000 लगेगा। 65,000 लगेगा, चलो अच्छी बात है। तो ऑफिस से आना चाहिए कि कोई हथौड़ा वीजा में आना चाहिए, कुछ बता सकते हो? और कितना सैलरी में आना चाहिए नया बंदा को? ऑफिस में आए चाहे घर में आए, नया ड्राइवर को 1500 सैलरी है। नया ड्राइवर को 1500 है? हाँ। पुराना ड्राइवर को 1700-1800 है, यही चल रहा है इस टाइम का, मैं बता रहा हूँ। जी जी, गुजरे हुए दिन को मैं नहीं बता रहा हूँ। जी जी, जो टाइम चल रहा है। जी जी, 1500 नए आदमी को और 1700-1800 पुराना आदमी के चल रहा है। जी जी, चलिए अच्छी बात है। तो बंदे को कोई लेबर क्लास में आना चाहिए नहीं कि नहीं आना चाहिए, कुछ बता सकते हो? कोई काम नहीं मालूम है तो क्या करेगा, घर पे रह के क्या कर सकता है? कुछ तो नहीं कोई कुछ काम सीख कर आना चाहिए कि वैसे ही लेबर कैटेगरी में आ जाना चाहिए कि कोई काम सीख कर आना चाहिए, कुछ बता सकते हो आप? अब मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उसका मिजाज है, कैसा मिजाज है उसका नहीं। फिर भी आपका कैसा मिजाज है कि लेबर में आने से फायदा है कि कोई काम सीख कर आने में फायदा है? कोई काम सीख लेगा तो और। ये बलदिया का गाड़ी है, जैसे यहाँ पे बलदिया का जो है ना यही गाड़ी होता और ऑटोमेटिक जो है ना कचरे फेंकते हैं। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।